गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ट्रांसलेशन सीखेंगे और वो भी ट्रांसलेशन आपका रिलेटेड है इंपरेटिव सेंटेंस से। इंपरेटिव सेंटेंस में आपको ऑलरेडी बताया जा चुका हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग पहले करके उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके सेंटेंस बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिकली जो हम बताने चल रहे हैं आपको वो है इंपरेटिव सेंटेंस जो आपका लेट से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? लेट से। लेट क्या है? वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक क्रिया है, ठीक। और ये अपने साथ हमेशा वेयर इन्फिनिटिव लेती है। कौन सी इन्फिनिटिव लेती है? वेयर इन्फिनिटिव लेती है, मतलब इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं। और दूसरी चीज क्या है? ऐसी वर्ब है जो अपने बाद हमेशा क्या लेगी? ऑब्जेक्ट लेगी, ये भी आपको पता है, क्योंकि लेट वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। क्लियर? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम आपको समझा दिए, जैसे लिखा गया लेट, कभी ऐसे लिख दिया गया ना, ही गो देयर, लेट ही गो देयर, ठीक। अब देखिए यहां पर ही लगाया गया, आपका सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि लेट वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसका क्या हो जाएगा? Let him go there, ठीक है। अब देखिए, अब हमने कहा यहां पर कि बेयर इन्फिनिटिव लेता है, क्या होता है कभी कभी आपके सिंटैक्स में इस रूप में दे दिया जाता है। मान लीजिए ये भी सही लगा दिया, लेट हिम टू गो देयर, ठीक। अब आपने लिख दिया, अब जैसे ही यहां टू गो लगाया, सिंपल इन्फिनिटिव लिखा, यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और इसका करेक्ट क्या होगा? अब ये समझ लीजिए, अगर करेक्शन के लिए लिखा गया लेट हिम गो देयर, मतलब उसे यहां, मतलब वहां जाने दिया जाए, इस सेंस में इस सेंटेंस का प्रयोग किया गया। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है लेट के संदर्भ में, क्योंकि लेट अगर स्टार्ट बिगनिंग सेंटेंस होता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आती है, और जो वर्ब आती है वो बिना टू के लगे, मतलब क्या होती है? बेयर इन्फिनिटिव के रूप में यूज की जाती है। अब हम ये समझ लेते हैं लेट इम्परेटिव सेंटेंस में देता क्या है। सो क्या करता है? ए प्रपोजल या क्या सो करता है? सजेशन, मतलब हमको सजेशन देती है, वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं पर ऑर्डर भी सो करती है, इसको ध्यान में रखना है आपको। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने आपके समक्ष रखा, और वो एग्जांपल है कि कृपया मुझे अपना नाम नहीं, उसे घर जाने दो, एक सेंटेंस लिखा गया, हमने लिखा यहां पर उसे घर जाने दो, आपका सेंटेंस लिखा गया ना, उसे घर जाने दो। अब हम इसमें सेंटेंस लाए किसका? लेट का। अब हिम या हर दोनों में से किसी एक का प्रयोग हो गया, लेट हिम गो होम, आपका सेंटेंस बन गया, उसे घर जाने दो। जैसे कहा गया आओ ठीक हम खेलें, आओ हम खेलें, अब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? लेट का, मतलब क्या सो किया? प्रपोजल, लेट अस प्ले, क्या लिखा गया? लेट अस प्ले, आओ हम खेलें, आपका क्या हो गया? लेट अस प्ले। इस सेंस में हम इसका यूटिलाइजेशन करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए कहीं पर आता है, जैसे कहा गया हमने लिखा यहां पर कि बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, ठीक है, अब हमें सोना चाहिए, ठीक है, या कहा गया चलो अब हम सोएं। तो अब बहुत देर हो गई, अब यहां पर हमको सिंपल सेंटेंस है, देर हो गई, ठीक है, इट वॉज टू लेट, क्या हो गया? इट वॉज टू लेट। अब इसके बाद देखा गया
हम किसका प्रयोग किया है, कॉमा का, लेट अस क्या हो गया, लेट अस गो टू बेड नाउ, ठीक है, क्या कहा गया, लेट अस गो टू बेड नाउ, मतलब अब हमें कहां पर चलना चाहिए, सोना चाहिए, सोने का मतलब क्या होता है, एक्सरेज होता है, गो टू बेड का मतलब क्या होता है, सोने जाना, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कहा गया दवा समय से लो, ठीक है, क्या कहा गया, दवा समय से लो। अब हम यहां पर लेट का प्रयोग किया गया, अब लेट के साथ हम चूंकि ऑब्जेक्ट में यू का प्रयोग करेंगे, क्या हो गया, लेट यू टेक मेडिसिन, ठीक है, क्या हो गया, समय से, इन टाइम या बाय टाइम या ऑन टाइम, जिसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इन टाइम मत लगाइए, समय के अंदर हो गया, आप क्या लगाए, ऑन टाइम, लेट यू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, क्लियर हो गया। तो इस सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, लेट का। तो जब ट्रांसलेशन में हमको, अगर लेट से रिलेटेड ट्रांसलेशन आता है, हमको इन चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है, क्लियर हो गया, कि लेट हमारा क्या शो करता है, प्रपोजल शो करता है, रिक्वेस्ट शो करता है, ऑर्डर भी शो करता है। जैसे कहा गया लेट हिम फ्री नाउ, मतलब उसे क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए, तो इस सेंस में भी हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो जो लेट से रिलेटेड एक्सरसाइज है, सभी विद्यार्थी ट्रांसलेशन के तहत इसको सीखें, बनाएं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।